थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर द इनकम ईयर टू था अप्रैल दो हजार तेईस से इकतीस मार्च दो हजार चौबीस तक आपने जो भी पैसा अर्न किया है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में भरने की लास्ट डेट जो है थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है राइट right? अब ये किस किस को भरनी चाहिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है ट्रस्ट में बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है या नहीं भरना है right? तो मतलब कि बेसिक एक्समशन लिमिट किया है अगर उससे ज्यादा आपकी इनकम टैक्स इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है अब वो इनकम टैक्स की बेसिक एक्सम्पन लिमिट क्या है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड तो आइए देखते हैं आर द फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम जो है लास्ट ईयर से जो है इम्प्लीमेंट किया गया था अभी रिसेंटली ही इम्प्लीमेंट हुआ है इसके बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है मार्केट में तो एनी हाउ ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं बट एज ऑफ नाउ अगर आप 68 से कम हैं और आप ओल्ड में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपकी इनकम अगर ढाई लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा अब ये ढाई लाख जो है दैट इज बिफोर डिडक्शन ऑफ चैप्टर सिक्स डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स क्या होता है जिसमें आपका सेक्शन एट्टी सी की डिडक्शन आ जाती है जैसे कि पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट किया या प्रिंसिपल पे किया आपने हाउसिंग लोन का या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया या फिर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस तरह के डिडक्शंस सेकेंड केस अगर आपकी एज सिक्सटी ईयर से ज़्यादा है पर एटी ईयर से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है इन केस आपकी क्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन इज मोर देन थ्री लैक्स सिमिलरली अगर आपकी उम्र 80 ईयर से ज़्यादा है आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भर रहे हैं तो पाँच लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर आपको अगर होती है तो आपको आई भरना जरूरी है अंडर न्यू टैक्स रिजीम इन्होंने बहुत ही सिंपल किया हुआ है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी तीन लाख से ज्यादा की इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा नाउ इसके अलावा भी देर आर सम मैंडेटरी कंडीशन विच आई टी आर इज कंपल्सरी टू बी फाइल्ड जैसे कि आपका एनुअल बैंक डिपॉजिट इज मोर देन फिफ्टी लैक्स या फिर आपकी प्रोफेशनल इनकम दस लाख से ज़्यादा है या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का एक लाख से ज़्यादा है या फिर आपका टी डी एस टी सी एस पच्चीस हज़ार रुपये से ज़्यादा है और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है या फिर आपको इनकम हो रही है कोई भी फॉरेन एसेट से तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर दो लाख रुपये खर्च किए हैं अपने लिए या फिर अपने किसी और के लिए अपनों के लिए साल भर के अंदर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है राइट ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना और इनकम टैक्सेबल होना दो अलग अलग बातें हैं आपकी सात लाख तक के इनकम के ऊपर न्यू रजीम में टैक्स नहीं है लेकिन दैट मीन कि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे ठीक है इसके ऊपर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे पर अभी के लिए आप यह समझ लीजिए ठीक है धन्यवाद तो फ्रेंड्स अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे को इस ईमेल आईडी पे ईमेल लिख सकते हैं एंड वी विल सपोर्ट यू इन बेस्ट पॉसिबल मैनर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो